got drunk off your love, and I lost myself again. You've been just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with fire. No, I'm hiding on the bed. But this time I won't collide like I did yesterday. इट्स 9 सिंस द मॉर्निंग और अभी तक रुकी नहीं है गाइस. चेक करो मेरी गाड़ी ढक गई स्नो में. वो वाइट कलर की गाड़ी जस्ट मेरी है. वो मेरी है. हाँ स्नोफ्लेक्स कितनी क्यूट लगती है. जितनी जितनी सुंदर लगती है उतनी डेंजरस होती है. इतना नमल संभल के चलना पड़ता है ना हर जगह पे. और ऊपर से सबसे ज़्यादा तो स्नो के अंदर. आई मीन जब स्नो पे पैर रखो नॉट अंदर स्नो पे पैर रखो. ये चप्पलें तो धाड़ हो जाएंगी. फिलहाल मैं जा रही हूँ कुछ खाने बिकॉज मुझे लगी है भूख. एंड दिस इज़ देयर कॉमन एरिया जहाँ मैं रुकी. अगर आप वर्क स्टेशन ढूंढ रहे हैं तो दिस इज़ समथिंग बेस्ट प्लेस फॉर यू. नो एंट्री फॉर स्टाफ ओनली. भैया सो दैट्स अ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट. लेट्स हैव द पूरी भाजी टुडे. हम इसको छोड़ के नीचे जा रहे हैं मतलब अपनी गाड़ी को. एलएम इसको तो मिल जाएंगे अभी थोड़ी देर में. बर्फ हो रखी अराउंड 1 फीट. ओ फक थैंक यू भैया सो मच. नहीं नहीं हमें वापस आना है. हम कोई चेकआउट नहीं है. हम सिर्फ मोल मनाली घूमने जाना चाहते हैं. My God, it is so difficult. मेरे को देखते ही डर लग रहा है. सो गाइस हमें गाड़ी ना उतार दिया कहीं पे जो 15 मिनट मेन रोड से दूर है. एंड दिस इज़ वेरी एडवेंचरस टुडे आई एम टेलिंग यू. हम लोग किसी ना किसी एडवेंचर के से कम काम नहीं कर रहे आज. ओह माय गुडनेस बहुत आराम से भाई मेरे से ना उतरा जाएगा. सो वी आर लाइक हियर. हमारे पास वो नहीं है ना. क्या नहीं है वो स्कीइंग वाले. नहीं यहाँ से बहुत अच्छा होगा. मैं बैठ के कर लेते हैं स्कीइंग. तुम पहले चलो मैं पीछे पीछे आ रही हूँ. आज का दिन कुछ अलग लग रहा है मुझे. हम कर क्या रहे हैं वैसे. मुझे नहीं पता हम गिम्बल गलत ले आए हैं मुझे ऐसा लग रहा है. पता नहीं यार तेरे बैग में जगह. Finally covering the distance of more than 4 km and reaching to this beautiful place, Old Manali Mal Road. Or trust me, itna snowfall, and we were enjoying because everybody was enjoying at their part. So we decided to grab some snacks, and as we were hungry because hum itna walk kar chuke the, and we went to this amazing and well-known cafe, which is Johnson Cafe, to grab a pizza. So guys, finally हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है and we're gonna have this amazing pizza. हमारा पिज़्ज़ा बहुत बड़ा है. इस पिज़्ज़ा की कॉस्ट मैं आपको बता चुका हूँ 800 रुपये. बट लेट्स टेस्ट एंड सी कैसा है. सो द पिज़्ज़ा वॉज वे अवे कॉस्टली फॉर अस एज इट वॉज नॉट वर्थी टू पे 800 रुपीज़ फॉर जस्ट अ पिज़्ज़ा. और उसके अलावा इतना कोई खास नहीं था बिकॉज उनके जो इन्ग्रीडियंट्स थे वो इतने अच्छे मोल्डेड नहीं थे. उन्होंने इतना अच्छा नहीं बनाया था. बट यस वी एंजॉयड द एम्बियंस ऑफ द प्लेस. दैट वॉज एक्चुअली अमेजिंग. और अंदर बहुत कोजी था बाहर से तो. कुछ मोमेंट्स बनाने के बाद कुछ लम्हों को इंजॉय करने के बाद कुछ मेमोरीज के बाद We decided to have pastry at the cafe. बेस्ट कहते हैं ना आपकी लोकल कैफ़े है जहाँ पे आपको रम बॉल्स मिल सकती है एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्ट्रीज के ऑप्शन इवन पिज़्ज़ाज़ के ऑप्शन मिल सकते हैं. एंड ट्रस्ट मी आई टोटली लव इट. सो आज हमने ट्राई किया वो पिज़्ज़ा जो कि अच्छा नहीं था बट फॉर्चुनेटली रम केक अच्छा था. और बिल फड़वा लिया हमने 1300 रुपये का पिज़्ज़ा के पीछे. एंड रम केक हार्डली कॉस्ट 100 रुपीज़. सो इट्स टाइम टू गो बैक जिसमें हमें पता नहीं हम वापस जाना ही कैसे है. एंड इट्स गोना टेक कितना टाइम बिकॉज हम आज व्हीकल लेस हैं. रमन तुम्हें कैसा फील हो रहा है.
Pretty good. ऐसा कैसे फील हो सकता है तुम्हें जब हमें यही नहीं पता हम जाएंगे कैसे वापस? वही तो एडवेंचरस है, तभी तो गुड, वरना तो पता ही था कि बैठ के जाना है। एडवेंचर तो अब स्टार्ट होगा। गाड़ी जैसे कि बर्फ में ढक चुकी है और हम किसी से 500 रुपये दे के थोड़ा सा ऊपर आ चुके हैं। हम आधा रास्ता तो खुद ही चढ़ गए थे बट फिर भी हमारा 2.5 किलोमीटर बाकी था। बर्फ है यार, तेरी गाड़ी में 2 फुट तक बर्फ है। मेरी गाड़ी स्कॉर्पियो बन चुकी है। थोड़ी तो हटानी पड़ेगी, मैं साइड से हटाती हूँ। स्नो केक खाएगी क्या? नहीं, तेरी गाड़ी स्नो केक बनी हुई है।